सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आलोकजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ राइट साइड में जो रेड वाली बटन है उसको प्रेस करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके रोजाना से नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या होता है QR कोड और क्या होता है बार कोड, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्यों ये यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। आपको प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले QR कोड की। तो बेसिकली दोस्तों, QR कोड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसको आप उसके नाम से ही पहचान रहे होंगे कि क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करता है ये QR कोड। बेसिकली बात करें दोस्तों यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब दोस्तों, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आजकल तो डेबिट कार्ड में ये QR कोड भी आने लगे हैं, पहले के डेबिट कार्ड में नहीं थे, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। कहीं भी आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप स्कैन करके ये कोड को, QR कोड को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या दोस्तों इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इस QR कोड का। और बात करें दोस्तों QR कोड की, तो QR कोड एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड कोड होता है दोस्तों, जो कि एक मशीन उसको ही रीड कर सकती है, हम आप उसको अपने आँखों से रीड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उसमें काफ़ी सारा डाटा होता है दोस्तों, अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसमें। अगर बात करें उसमें क्या होता है दोस्तों, तो वो कंटेंट करता है आपके, बात करें दोस्तों तो आपके ईमेल्स को कंटेंट कर सकता है, आपके नेम्स को, डेट ऑफ बर्थ को, आपके उसमें इवन दोस्तों उसमें आपकी फ़ोटो तक हो सकती है QR कोड में। QR कोड कई टाइप्स के होते हैं दोस्तों, 2D, 3D। तो QR कोड दोस्तों बहुत ही हाईली सिक्योर्ड कोड होता है, जो कि मशीन ही उसको एक्सेस कर सकती है दोस्तों, तो इसलिए वो यूज़ किया जाता है। अब अगर दोस्तों, अगर QR कोड ऐसे डायरेक्ट उसको आदमी अपने आंखों से रीड कर सकते, तो यूज़ क्यों किया जाता है, इसीलिए उसको ऐसे मशीन के लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है कि उसको मशीन ही डिजाइन की पढ़ सकती है दोस्तों। तो QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है दोस्तों। तो अगर आपको इसका एग्जांपल हम देके बताएं, तो हमारे पास एक दोस्तों आपको एग्जांपल देके हम बताते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख सकते होंगे, इस एक डेबिट कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेटीएम का डेबिट कार्ड है, इसमें आपको क्विक QR कोड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मिल जाएगा लिखा हुआ, छपा हुआ। अब इससे होता क्या है दोस्तों, अगर किसी बंदे को अगर मुझे पैसा चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि उसको सिर्फ अपना ये डेबिट कार्ड दिखाऊँगा, वो अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेगा और मुझे मनी ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसमें दोस्तों दिख तो कुछ नहीं रहा है कि इसमें होते लिखा क्या है या मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा नेम क्या है, लेकिन इस दोस्तों इस कोड में जो यहाँ पे QR कोड है, इसमें सभी इंफॉर्मेशन मेरी कंटेंट है दोस्तों। यहाँ पे मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है डेबिट कार्ड की, मेरे अकाउंट की, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरी प्रोफाइल फ़ोटो, सब कुछ इसमें मेंशन है दोस्तों। अगला आदमी इसको स्कैन करके मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी सिक्योर्ड और बेहतरीन डिजाइन है दोस्तों मशीन का, कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसको स्कैन करने की, तो आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही दोस्तों, आप उससे ही इसको स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर आता है गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जहाँ भी आप डाउनलोड जो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर एप्पल का है तो आप iOS स्टोर से, या गूगल का है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए QR कोड स्कैनर और उससे स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। उसको स्कैन करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। तो QR कोड आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ये ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। और बार कोड जो होता है दोस्तों, बेसिकली दोस्तों QR कोड, बार कोड दोस्तों ये आपस में, आपको सीधी लैंग्वेज बताए दोस्तों, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है बेसिकली, तो दोनों आपस में अटैच्ड हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन QR कोड जो होता है दोस्तों, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और जो बार कोड होता है दोस्तों, वो बार कोड जो होता है वो प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स में। कोई भी आप सामान खरीदारी परचेज कर सकते हैं तो उसमें तो आपको ये बार कोड प्रिंट किया हुआ दिख जाएगा। तो अब बार कोड की बात करें दोस्तों, तो बार कोड जो होता है वो भी एक तरह का कोड होता है, उसको भी मशीन एक्सेस कर सकती है दोस्तों। उसको हम अपनी आँखों से स्कैन नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ देख सकते हैं।
तो उसमें भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ के कोड्स होते हैं दोस्तों, बारकोड में भी। तो बारकोड का जो क्रम होता है दोस्तों, नंबर होता है, वो 12 डिजिट या 13 डिजिट तक होता है दोस्तों बेसिकली। तो बात करें अगर बारकोड की, तो बारकोड भी काफ़ी हाई सिक्योर्ड होता है दोस्तों, उसको भी अमूमन हम आप नहीं स्कैन कर सकते हैं, अपने नहीं पढ़ सकते हैं अपनी आँखों से। इवन दोस्तों उसका भी एक गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करने के लिए, बारकोड स्कैनर के नाम से, तो वो स्कैन करके आपको बता देगा। तो दोस्तों अगर बात करें बारकोड में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आप अगर पोस्ट करते हैं स्पीड पोस्ट, तो एक मशीन होती है दोस्तों उनके पास, जो उसको आपके लिफाफे को ऐसे स्कैन करते हैं, उसमें रेड लाइट एक आवाज़ निकलेगी सीटी टाइप की और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल देगी। तो वो एक टाइप का दोस्तों बारकोड वहाँ पे यूज होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कलेक्ट कर लेता है वो कंप्यूटर। तो बारकोड में दोस्तों आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी रहती है कि आपके दोस्तों माफ़ कीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, उसमें एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो कब बना, मैन्युफैक्चर डेट क्या है उसकी, क्या है उसकी तारीख एक्सपायर होने की। तो काफ़ी सारे उसमें कंपनी के रिलेटेड होते हैं दोस्तों, बेसिकली एक कंपनी में यूज होता है। जैसे कि आप खाने पीने का कोई भी सामान लेंगे, इवन आप एक चिप्स के पैकेट लेंगे लेस की, तो उसमें आप देख सकते हैं बारकोड प्रिंट रहता है दोस्तों। आप अगर बारकोड के एग्जांपल की बात करें दोस्तों, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको आप दिखाते हैं कि उसमें बारकोड कैसे दिया हुआ है। अब बात करें दोस्तों, एक ये लक्स का एक शॉप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों बात करें अगर बारकोड की, तो यहाँ आप देख सकते होंगे ये बारकोड दिया हुआ है। अब ये बारकोड का मतलब इसमें क्यों दिया हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि बारकोड होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। अब ये होता क्या है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा बारकोड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मशीन का लैंग्वेज है, मशीन तुरंत इसको एक्सेस कर सकती है कि इसमें क्या क्या डेट है इसकी, मैन्युफैक्चर्ड कौन सी कंपनी का है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक बैच कोड होता है दोस्तों, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कोड, ये 6 अंक का, इस साइड में ये बैच कोड होता है कंपनी का। उसके बाद ये दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड कोड होता है, इसमें उसमें मैन्युफैक्चरिंग के सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट रहती हैं दोस्तों, इस वाले जो इस तरह का कोड लिखा हुआ है। और इसको एक QR को माफ़ कीजिएगा बारकोड स्कैनर ही इसको स्कैन कर सकता है, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आपको दिख रहा होगा, तो इसको बारकोड कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो बारकोड और QR कोड में आप समझ सकते होंगे क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं बारकोड और QR कोड। बारकोड आपको पहले बता दिया कि दोस्तों ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, खाने पीने के सामान में या कोई भी आप परचेज़ कर सकते हो तो वहाँ आपको बारकोड मिल जाएगा। और QR कोड की बात करें दोस्तों, QR कोड सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ भी यूज़ किया जाता है, आपकी कंटेन करता है वो इन्फॉर्मेशन। और बारकोड दोस्तों कंपनी की या जहाँ का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहाँ की ज़्यादातर कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये था दोनों में डिफरेंस दोस्तों, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट करके लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोनों डिफरेंस पता लग गया होगा दोनों चीज़ में कि बारकोड QR कोड होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपको पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ राइट साइड में जो रेड वाली बटन है उसको प्रेस करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में जो राइट साइड में बेल आइकन होगा, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ जब भी मैं डालूँ तो आपको पता लग जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।